गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में ट्वेल्थ क्लास के विद्यार्थियों का स्वागत है। और हम जो राजनीति विज्ञान का जो पार्ट फर्स्ट है उसके अंदर अध्याय सेकंड के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। अध्याय सेकंड है आपका शक्ति, सत्ता और वैधता। अध्याय आपका सेकंड चल रहा है शक्ति, सत्ता एवं वैधता। शक्ति, सत्ता एवं वैधता। तो इसके अंतर्गत जो अपन ने सबसे पहले हम शक्ति की अवधारणा ली थी, शक्ति की अवधारणा, तो शक्ति की अवधारणा के अंदर अपनी जो पृष्ठभूमि है वो संपन्न हो चुकी थी। अब अपना आज चर्चा करेंगे शक्ति का अर्थ। शक्ति का अर्थ, शक्ति के अर्थ के बारे में कि शक्ति से क्या तात्पर्य, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो इसके अंतर्गत शक्ति के अर्थ में तो हमने इसकी पृष्ठभूमि के अंदर हमने चर्चा की थी कि जो शक्ति राजनीति विज्ञान की मूल केंद्रीय धारणा है या मूल धारणा है, और इसके विभिन्न विचारक हैं शक्ति के ऊपर विचार प्रस्तुत करने वाले, जिनके अंदर हम चर्चा कर मनु भारत के अंदर बात करते हैं, भारतीय विचारक मनु, कौटिल्य और शुक्र हैं, और यूरोपियन विचारकों के अंदर मैकियावेली को प्रथम शक्तिवादी विचारक माना जाता है, और इसी के साथ में इंग्लैंड के हॉब्स ने अपने कृति लेवियाथन के अंदर भी शक्ति के महत्व के ऊपर प्रकाश डाला है। और इसी प्रकार से राजनीति विज्ञान के जो परिणेता माने जाते हैं चार्ल्स मेरियम, उनको भी उन्होंने शक्ति के महत्व के बारे में बताया है। इसके अलावा भी और भी विद्वान हैं जिन्होंने शक्ति के बारे में चर्चा की, कैटलिन है, लासवेल है, मार्गेंटाउ है, मैकाइवर है, इन्होंने भी अपनी कृतियों के अंदर अपने जो चिंतन है वो प्रस्तुत किया है, शक्ति के बारे में इन्होंने चर्चा की है। तो इसी जैसे लासवेल ने अपनी लासवेल की जो मुख्य पुस्तक है वो है कौन क्या कब कैसे, कि जैसे इसको हम अंग्रेजी में कैसे पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट व्हेन और हाउ, और इसी प्रकार से मैकाइवर की जो कृति है द वेब ऑफ गवर्नमेंट, इन दोनों किताबों के अंदर इन दोनों विद्वानों लासवेल और मैकाइवर ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, शक्ति के महत्व को उजागर किया है, शक्ति के महत्व को राजनीति विज्ञान का केंद्र बिंदु माना है। आज अब अपन चर्चा करेंगे शक्ति का अर्थ क्या होता है। इसके अंदर है जैसे मैकाइवर ने अपनी किताब है द वेब ऑफ गवर्नमेंट के अंदर इन्होंने चर्चा की है शक्ति के अर्थ में। मैकाइवर ने अपनी कृति द वेब ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट इस कृति के अंदर इन्होंने अपने शक्ति के विचार रखे। तो मैकाइवर के अनुसार शक्ति से तात्पर्य कि मैकाइवर ने शक्ति का क्या अर्थ बताया है कि शक्ति वह क्षमता ऐसी योग्यता जिसमें दूसरों से कोई काम लिया जाता है, ऐसी क्षमता जिसमें दूसरों से कोई
काम लिया जाता है या फिर या आज्ञा पालन कराया जाता है ऐसी क्षमता को, ऐसी क्षमता को शक्ति कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि शक्ति किसे कहते हैं कि ऐसी क्षमता जिसके अंदर दूसरों से कोई काम लिया जाता है या कोई काम करवाया जाता है या अपनी आज्ञाओं को पालन करवाया जाता है उस क्षमता को हम क्या कहते हैं, शक्ति। ये किसने कहा है, मैकाइवर। फिर दूसरे विद्वान हैं जिन्होंने शक्ति की परिभाषा दी है आर्गेंस्की के शब्दों में, आर्गेंस्की के शब्दों में कि आर्गेंस्की के शब्दों में आर्गेंस्की ने क्या बताया है कि शक्ति की क्या क्या परिभाषा दी है आर्गेंस्की के शब्दों में, शक्ति दूसरों के आचरण को, शक्ति दूसरों के आचरण को मतलब दूसरों के व्यवहार को, शक्ति दूसरों के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार, अपने लक्ष्यों के अनुसार, अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है, प्रभावित करने की क्षमता को शक्ति कहा जाता है। यह है आर्गेंस्की महोदय के अनुसार, आर्गेंस्की ने क्या कहा है, शक्ति दूसरों के व्यवहार को या आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की जो क्षमता है उसको हम क्या कहते हैं, शक्ति। फिर शक्ति के अर्थ में तीसरे विद्वान का जो नाम आता है वो है रॉबर्ट बायर्स टेड के अनुसार, रॉबर्ट बास्टेड के अनुसार शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है न कि वास्तविक प्रयोग। तो क्या है के अनुसार शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है न कि उसका वास्तविक प्रयोग, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। तो इस प्रकार से हमने शक्ति के बारे में चर्चा की कि शक्ति किसे कहते हैं। हमने तीन विद्वानों को, जिनमें से दो विद्वानों कोटेशन हमारे को ध्यान में रखनी है कि तीन विद्वानों की हमने कोटेशन प्रस्तुत की है, ये तीनों विद्वानों के ध्यान नाम ध्यान में रखने हैं, साथ में इन्होंने क्या कोटेशन दिए उसके बारे में, कि इन तीनों विद्वानों की जब कोटेशन पढ़ते हैं तो हमारे सामने सार रूप में जो शक्ति का अर्थ निकल कर के आता है वह है क्या है, शक्ति वह है जो दूसरों के कार्यों, अतः शक्ति वह है, अतः शक्ति वह है जो दूसरों के कार्यों, जो दूसरों के कार्यों व्यवहारों, दूसरों के कार्य है चाहे दूसरे का व्यवहार है, दूसरों के कार्यों व्यवहारों और विचारों को, और विचारों को अपने अनुकूल बनाने की, अपने
अनुकूल, अपने अनुकूल बनाने की क्षमता है, अपने अनुकूल बनाने की क्षमता है। इस प्रकार से हमने शक्ति का अर्थ पढ़ा। दोबारा मैं रिवाइज करवा देता हूँ, शक्ति से क्या तात्पर्य है। बिल्कुल इजी है, आराम से इसको समझना है कि सबसे पहले मैकाइवर ने अपनी किताब द वे ऑफ गवर्नमेंट के अंदर शक्ति की परिभाषा प्रस्तुत की है। किस प्रकार से प्रस्तुत की है मैकाइवर? मैकाइवर के अनुसार शक्ति से क्या तात्पर्य है? मैकाइवर ने शक्ति से तात्पर्य ये बताया है, क्या बताया है कि ऐसी क्षमता जिसमें दूसरों से कोई काम करवाया जाता है, या हम कह सकते हैं दूसरों से कोई अपनी आज्ञाओं का पालन करवाया जाता है, ऐसी क्षमता को हम क्या कहते हैं? शक्ति। इसी के साथ में ऑर्गेन्स की महोदय ने जो शक्ति के संदर्भ में क्या अर्थ बताया, शक्ति दूसरों के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? शक्ति। ये किसने कहा है? ऑर्गेन्स की ने। तीसरे जो विद्वान है वो है रॉबर्ट वास्टर्ड। रॉबर्ट वास्टर्ड ने शक्ति की क्या परिभाषा दी है? शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। कहने का मतलब बल का हमको वास्तव में प्रयोग नहीं करना है, बल्कि बल की तरह इसको प्रयोग में करना है, परंतु जो बल के अंदर जो पावर होता है वो नहीं, इसके अंदर शामिल नहीं किया जाता है। तो शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि बल का वास्तविक प्रयोग, इसको हम क्या कहते हैं? शक्ति। अतः उपयुक्त जो तीनों विद्वानों की हमने परिभाषा पढ़ी है, उन परिभाषाओं के आधार पर शक्ति का साधारण जो अर्थ निकल करके हमारे सामने निकल करके आता है वह है कि शक्ति वह है दूसरों के कार्यों, पहला बिंदु, दूसरों के व्यवहार, दूसरा बिंदु आचरणीय व्यवहार, और विचारों, तीसरा, और विचारों को अपने अनुकूल बनाने की जो क्षमता है उसको हम क्या कहते हैं? शक्ति। यह तो था शक्ति से तात्पर्य। अब इसी में अगला बिंदु आता है, शक्ति के बाद में आता है शक्ति का बल और प्रभाव में अंतर। शक्ति का बल और प्रभाव से दोनों से हम अंतर के बारे में जानकारी करेंगे। तो इस प्रकार से हमारी जो प्रशक्ति की पृष्ठभूमि संपन्न हो चुकी, शक्ति का अर्थ संपन्न हो चुका। अब अपन चर्चा तीसरा बिंदु करेंगे, शक्ति का बल और शक्ति का बल और प्रभाव से भेद, मतलब शक्ति का बल से क्या अंतर है, शक्ति का प्रभाव से क्या अंतर है, या शक्ति का बल और शक्ति में क्या अंतर है, और शक्ति और प्रभाव में क्या अंतर है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो इसके अंतर्गत अपन जो पहला बिंदु है शक्ति और बल में अंतर, सबसे पहले इसका लेंगे कि शक्ति व बल में अंतर, कि शक्ति और बल में क्या अंतर है। तो इसमें अंतर, पहला अंतर हमारे को दिखाई देता है, शक्ति परछन बल है। शक्ति कैसा बल है? परछन। शक्ति परछन बल है, जबकि शक्ति परछन बल है, जबकि बल प्रकट शक्ति है। कैसी शक्ति है? प्रकट शक्ति है। दूसरा जो अंतर है शक्ति और बल में वो है शक्ति अप्रकट होती है, शक्ति अप्रकट होती है, जबकि बल प्रकट शक्ति है। तो इस प्रकार से ये दो अंतर हमारे को दिखाई पड़ते हैं कि शक्ति परछन, मतलब दिखाई नहीं देने वाला बल, वो जो हमारे को दिखाई नहीं देता है जो बल, उसको हम क्या कहते हैं? शक्ति। जबकि बल हमेशा हमारे को प्रतीत होता है, जो हो रहा है वो दिख रहा है, तो जो दिखता है वो है बल है,
जिसके अंदर कुछ शक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसी प्रकार से शक्ति अप्रकट, हमारे को प्रकट नहीं होती हमारे सामने शक्ति, और इसी प्रकार से बल हमारे सामने प्रकट होता है, हमेशा स्पष्ट तौर पर हमारे को दिखाई देता है, उसको कहते हैं हम बल। अब आता है शक्ति और प्रभाव में अंतर, यह तो था शक्ति और बल में अंतर, अब आएगा शक्ति और प्रभाव में अंतर। शक्ति और प्रभाव में क्या अंतर है, देखो पहला अंतर आता है प्रभाव, पहला अंतर है प्रभाव, जो प्रभाव है किसी के ऊपर प्रभाव डालना तो प्रकट नहीं होता है, प्रभाव अप्रकट होता है, प्रभाव अप्रकट होता है, जबकि शक्ति प्रभाव की अपेक्षा क्या है भाई, शक्ति प्रकट होती है, जबकि शक्ति प्रकट होती है। पहला अंतर है कि शक्ति प्रकट होती है, प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता है, किसी को मान किसी को प्रभावित करना वो क्या है प्रभाव, जबकि शक्ति प्रकट होती है, हमारे को प्रतीत होती है, किसकी अपेक्षा, प्रभाव की अपेक्षा शक्ति दिखाई देती है, जबकि प्रभाव दिखाई नहीं देता है। दूसरा जो अंतर है, दूसरा अंतर है प्रभाव मनोवैज्ञानिक तत्व है, प्रभाव मनोवैज्ञानिक, प्रभाव मनोवैज्ञानिक तत्व है, जबकि प्रभाव मनोवैज्ञानिक तत्व है, जबकि शक्ति दमनात्मक होती है, जबकि शक्ति शक्ति दमनात्मक होती है। तो इसके अंदर हमारे को स्पष्ट तौर से प्रभाव वो है, वो तत्व है प्रभाव, जो दूसरे के मन विचारों और मस्तिष्क को प्रभावित करता है, मन को प्रभावित करता है, वो है मनोवैज्ञानिक तत्व, कौन हुआ प्रभाव। जबकि शक्ति के अंदर हम किसी के खिलाफ शक्ति का प्रयोग करते हैं तो उस व्यक्ति को दबाया जाता है, दबाने का मतलब उसका तिरस्कार किया जाता है, उसको वो कहते हैं अपन दमनात्मक, उसको उसका दमन किया जाता है। व्यक्ति जब व्यक्ति के ऊपर किसी बात का प्रेशर डाला जाए या किसी बात के लिए उसको करने के लिए बाध्य किया जाए तो वो है दमन, तो वहाँ पर शक्ति का प्रयोग हो रहा है। और जबकि किसी व्यक्ति को अपने विचारों से प्रभावित करे तो वो हो गया मनोवैज्ञानिक तत्व, तो प्रभाव मनोवैज्ञानिक तत्व है जबकि शक्ति दमनात्मक तत्व है, दूसरा अंतर ये हो गया। तीसरा जो अंतर आता है हमारे सामने कि प्रभाव संबंधात्मक होता है, प्रभाव संबंधात्मक प्रभाव कैसा होता है भाई, संबंधात्मक होता है, संबंध बनाता है, संबंध दिखाई पड़ते हैं किसमें, प्रभाव में, जबकि प्रभाव संबंधात्मक होता है जो व्यक्ति की सहमति पर निर्भर है, जो व्यक्ति की सहमति पर निर्भर है, व्यक्ति की सहमति पर निर्भर है। जबकि देखिए, जबकि शक्ति क्या है, व्यक्ति की सहमति, जबकि शक्ति का प्रयोग किसी के खिलाफ, जबकि शक्ति का प्रयोग, जबकि शक्ति का प्रयोग किसी के खिलाफ, किसी के खिलाफ, किसी के खिलाफ उसकी इच्छा के विरुद्ध भी, उसकी इच्छा, उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी इच्छा के विरुद्ध भी हो सकता है, उसकी इच्छा के विरुद्ध भी हो सकता है। कहने का मतलब प्रभाव के अंदर सहमति दिखाई पड़ती है कि व्यक्ति खुद सहमत होगा, वो जो तत्व पाया जाता है तो उसके अंदर प्रभाव स्पष्ट तौर पे दिखाई पड़ता है, परंतु कोई व्यक्ति ऐसा करना नहीं चाह रहा है, उसकी इच्छाओं का दमन किया जा रहा है, तो वहाँ पे प्रभाव तत्व प्रयोग में नहीं ला रहा है, वहाँ पे किस चीज़ का कौन से तत्व प्रयोग में आ रहा है, वहाँ पे शक्ति तत्व है, शक्ति का रूप काम कर रहा है, कहाँ पर, जहाँ पर इच्छा को दमन किया जा रहा है वहाँ पर। तो इसलिए हम कह सकते हैं प्रभाव संबंध बनाने वाला है,
जो व्यक्ति की सहमति पर आधारित है, जबकि शक्ति का प्रयोग किसी की इच्छाओं को दबाने के लिए किया जाता है, उसकी इच्छा के विरुद्ध भी किया जा सकता है, वो है शक्ति। चौथा जो अंतर है हमारा वो है प्रभाव प्रजातांत्रिक है। प्रभाव क्या है भाई? प्रभाव प्रजातांत्रिक, प्रभाव प्रजातांत्रिक है, जबकि शक्ति क्या है? जबकि शक्ति अप्रजातांत्रिक, अप्रजातांत्रिक है। यदि देखो लोकतंत्र के अनुकूल क्या है? प्रभाव, क्योंकि जनता के विचारों की सहमति पर आधारित होता है लोकतंत्र, तो प्रभाव प्रभावित करके यदि जनता को अपने पक्ष में लेकर के जो शासन प्रक्रिया चलाई जाती है वो है प्रजातांत्रिक। तो इसके अंदर प्रभाव, प्रभाव क्या है? प्रजातांत्रिक तत्व है, जबकि शक्ति क्या है? अप्रजातांत्रिक, क्योंकि शक्ति के अंदर व्यक्तियों की इच्छाओं का दमन किया जाता है, वो सहमति पर आधारित नहीं होती है उसके अंदर। तो ऐसी स्थिति में शक्ति को अप्रजातांत्रिक, लोकतंत्र के अनुकूल नहीं माना गया है, जबकि प्रभाव को प्रजातांत्रिक तत्व माना गया है। अंतिम जो पांचवा जो अंतर है वो है, पांचवें अंतर की बात करें तो वो पांचवा अंतर हमारे सामने, प्रभाव को अपने अस्तित्व के लिए शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। प्रभाव को अपने अस्तित्व के लिए शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि देखो आवश्यकता नहीं होती है, जबकि शक्ति को अपनी स्थिरता प्रदान करने के लिए प्रभाव की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से तो पांचवा जो अंतर है शक्ति और प्रभाव में वो है प्रभाव को अपने को बचाए रखने के लिए किसी प्रकार की कोई शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि शक्ति में स्थिरता जब ही प्रदान आएगी जब उसके अंदर प्रभाव होगा। तो इसको हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि प्रभाव को अपने अस्तित्व के लिए शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि शक्ति को अपनी स्थिरता प्रदान करने के लिए या अपने अस्तित्व के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रभाव की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से हम तो देखो शक्ति और प्रभाव में अंतर दोबारा एक बार चर्चा कर लेते हैं। प्रभाव अप्रकट होता है जबकि शक्ति प्रकट होती है। प्रभाव मनोवैज्ञानिक तत्व है जबकि शक्ति दमनात्मक तत्व है। प्रभाव के अंदर संबंधों के ऊपर आधारित होता है प्रभाव, जबकि और जो व्यक्तियों की सहमति पर काम करता है या व्यक्तियों की सहमति होती है, जबकि शक्ति के अंदर किसी प्रकार के कोई संबंधात्मक नहीं होते, नहीं किसी प्रकार की सहमति होती है, बल्कि क्या है इसके शक्ति के प्रयोग में क्या होता है व्यक्तियों की या जनता की इच्छाओं का दमन भी हो सकता है या इच्छाओं के विरुद्ध भी हो सकता है, तो वो होती है शक्ति। प्रभाव प्रजातांत्रिक है जबकि शक्ति अप्रजातांत्रिक होती है। प्रभाव को अपने अस्तित्व के लिए शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, शक्ति कोई जरूरत नहीं है, जबकि शक्ति में स्थिरता जब भी आ सकती है जब उसमें प्रभाव नामक तत्व मौजूद होगा तभी उसमें स्थिरता आ पाएगी। इस प्रकार से आज हमने चर्चा की कि शक्ति का अर्थ क्या है और शक्ति और जो बल में क्या अंतर है, शक्ति और प्रभाव में क्या अंतर है। कल हम जो चर्चा करेंगे शक्ति के विभिन्न रूपों के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।